क्या गाइस, आप भी अपने स्नैपचैट का पुराना से पुराना अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो लेकिन गाइस आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में गाइस आप अपने स्नैपचैट का पुराना अकाउंट कैसे लॉगिन करोगे, आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो चलते हैं, मेरे टाइम को वेस्ट के करते हैं वीडियो स्टार्ट और आपको बताते हैं आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो गाइस आपको अपने फ़ोन में यहाँ पे स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा लॉगिन इन का। तो लॉगिन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। होने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको अपने अकाउंट का यूजर नेम इंटर कर देना है, जिस अकाउंट को आप लॉगिन करना चाहते हो तो उस अकाउंट का यहाँ पे यूजर नेम आपको इंटर कर देना है। इंटर करने बाद नीचे एक ऑप्शन आपको आ जाएगा फॉरगेट योर पासवर्ड का, तो फॉरगेट योर पासवर्ड वाले ऑप्शन पर देन क्लिक कर देना है और गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन और फ़ोन का। तो यहाँ पे हम फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे गाइस उस नंबर को मैंने इंटर कर दिया है जिस नंबर से हमारा उस अकाउंट लॉगिन था। तो आपका जो अकाउंट आप लॉगिन करना चाहते हो जिस नंबर से आपने बनाया था उस नंबर को यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको उस नंबर को इंटर कर लेना है जिस नंबर से आपका वह अकाउंट बना है। तो जैसे कि उस नंबर को मैंने इंटर कर लिया, यहाँ पे सबमिट करने का बटन आ रहा है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं उस नंबर पे मेरा ओटीपी आएगा। ओटीपी देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्नैपचैट अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हो चुका है। देख सकते हैं बिना पासवर्ड के मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन किया है। तो इस तरीके से गाइस आप भी अपने स्नैपचैट का अकाउंट, पुराने से पुराने अकाउंट को यहाँ पे रिकवर कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे वीडियो देखने और पाने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे इस नए वीडियो टॉपिक के साथ।